डरा हुआ तानाशाह हमारे भी लोकतंत्र को समझना चाहता है। ये नए अंग्रेज क्या करेंगे? इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा मिला है, चंदे से। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, पैसे का हिसाब नहीं दे रही। बताइए, विपक्षी पार्टियों का अकाउंट फ्रीज करना चाहती है। जी डर गए, मोदी जी डर चुके हैं। मोदी जी कुछ भी कर लीजिए आप, इस बार गई सरकार। मोदी जी वसूली भाई है, और ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का क्या काम है? इनका काम है डीलर का, मीडिएटर का काम है। तुम्हारे बीच में गठबंधन करा देते, लाओ पैसे ले आओ, ऐसे हो रहा है। चाहे गिरफ्तारी कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, मगर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अजीत पवार, नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, ये कौन सी मशीन में धुल के बीजेपी ज्वाइन कर ली इन लोगों ने? जैसे जैसे इंडिया अलायंस मजबूत होता जा रहा है ना, तो बीजेपी के अंदर जो शेर बोलता है अपने आप को, एक अकेला सब पे भारी, वो शेर नहीं है, वो कायर है। ये कोई इलेक्ट्रॉन बोल रही है, काले धंधे का रैकेट चला रहे हैं। एक पाकिस्तान की मैं स्थित कंपनी पावर हाउ कंपनी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उसको इससे भी ले रखे हैं। चोर बेईमान की सरकार है, नरेंद्र मोदी चोर है, एक तानाशाही की सरकार है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरीके से ये तानाशाह सरकार काम कर रही है, ये स्पष्ट है कि तानाशाह डरा हुआ है। चंदे में धंधे ही नहीं, ये वसूली का धंधा है। सबसे बड़ा माफिया रैकेट है ये। जनता मोदी के साथ नहीं है, जनता यदि मोदी के साथ होती तो आज मोदी इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं कर रहे होते। जब तक इन तमाम कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है, मोदी जी हमें नहीं डरा सकते, ईडी सीबीआई हमें नहीं डरा सकती है। काम किए नहीं से हर वर्ग परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। आज जिस प्रकार से देश का राजा घबरा रहा है, डर रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। आने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। गांधी जी थे, वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और ये अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतर अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुआ है। डरा हुआ तानाशाह मरी हुई लोकतंत्र को समझना चाहता है, मगर मैं बता दूं, ये राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, यूथ कांग्रेस के सिपाही हैं। ना कभी डरेंगे और ना डरे थे और ना डरेंगे। ये नए अंग्रेज क्या करेंगे? बताइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा मिला है, चंदे से, मगर ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, पैसे का हिसाब नहीं दे रही। बताइए, और इस विपक्षी पार्टियों का अकाउंट फ्रीज करना चाहती है। गया मोदी जी है, मोदी जी डर गए, मोदी जी डर चुके हैं। मगर मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, इस बार नहीं है 400 बार, इस बार गई सरकार। लगता है पैसे से चुनाव हो रहा है, उनको ये नहीं लगता कार्यकर्ता। कहना चाहता हूँ, ये चुनाव इस बार पैसे से नहीं होगा, ये चुनाव जनता के, ये चुनाव जनता के दिलों से होगा, जनता के हौसलों से होगा। और मैं क्या बता दूं आपको, ये जनता निष्पक्ष राहुल गांधी का साथ देगी। चाहे ये बड़ी बड़ी मीडिया, चाहे ये राष्ट्रीय मीडिया भले ही ना दिखाए, कांड चला रहे मोदी जी, वसूली कांड चला रहे। मैं हाँ, यस, मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी वसूली भाई है, वसूली भाई, ये वसूलते हैं। और ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का क्या काम है? इनका काम है डीलर का, मीडिएटर का काम है। हाँ भाई, तुम्हारे बीच में गठबंधन करा देते, लाओ पैसे ले आओ, ऐसे हो रहा है। हाँ, चंदा दो धंधा लो, हिसाब करेंगे, हिसाब होगा, जनता के हौसलों से हिसाब होगा, जनता के दिलों से हिसाब होगा, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम होगा। तो देखिए, पुलिस लगी है, कुछ भी कर लीजिए, चाहे गिरफ्तारी कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए। याद रखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया था, और आजाद कैसे कराया था? जेल जाके। आज भी जेल जाएंगे हम, मगर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, कहते थे कि अकेला सब पे भारी है, 56 इंच का सीना फुस हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए, अजीत पवार, नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, ये कौन सी मशीन में धुल के बीजेपी ज्वाइन कर ली इन लोगों ने? बताइए, आप बताइए, चुनाव के समय नोटबंदी करते हो आप, चुनाव के समय GST लाते हो आप, और चुनाव के समय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हो, ऐसे देश चलाओगे आप? अगर गलती से, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर गलती से नरेंद्र मोदी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी गई, तो याद रखिए बाकी की उम्र जेल में सड़ोगे आप, ये बता रहा हूँ मैं आपको। और जो भी इस वक्त इस देश को तोड़ने का काम करेगा, उसको जेल में डालने का काम करेंगे। लोगों ने ईडी सीबीआई को पिंजरे में डाल रखा था, हमने तस्वीरें देखी। क्या लगता है तोता बन गया मोदी जी का? पहले ईडी सीबीआई कंपनियों पे छापा मारती है, फिर बॉन्ड आता है पैसा। मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर का काम है आज के समय, कान में जाते हैं, छापा पहले मारते हैं, उसके बाद कहते हैं जाओ मोदी के अकाउंट में पैसे जमा करा दो। ऐसे देश चलाओगे आप?
आप निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करते बताइए, लोकतंत्र को तो तार तार कर दिया सरकार। आप कह रहे जनता इस बार तुम्हें फ्रीज, बिल्कुल जनता ही इस बार इस सरकार को जो ये 400 का सपना देख रहे हैं ना उसको फ्रीज करने वाली है। क्या कह रहे जनता, जैसे जैसे इंडिया अलायंस मजबूत होता जा रहा है ना, तो बीजेपी के अंदर जो शेर बोलता है अपने आप को एक अकेला सब पे भारी, वो शेर नहीं है, वो कायर है। कायर इसलिए है कि विपक्षी दलों को नेताओं को उठा उठा के जेल में डाल रहा है ना, वो कायर है। शेर कौन कहता है, वो शेर। एक तो हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने ये बोला था कि जो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए एक काले धंधे का रैकेट चला रहे हैं, ये कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, काले धंधे का रैकेट चला रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने पहले ही साफ कर दिया था। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, देश के लिए बहुत बड़ी बात है। एक पाकिस्तान की मैं स्थित कंपनी पावर हाउस कंपनी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, उन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उसको इससे भी ले रखे हैं। भाई मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए, अब कल को मेरा भी अकाउंट सील कर दे मोदी जी। पब्लिक, मैं आम आदमी हूँ, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए इस तरीके से किसी के अकाउंट का पैसे सील कर देंगे मोदी जी। कांग्रेस ही भ्रष्टाचारी है, बीजेपी सरकार के अंदर में एक एक एमएलए एमपी के अकाउंट में कितने पैसे। चोर बेईमान की सरकार है और अपने चोरी का इंजाम दूसरे पे डालकर अपनी सत्ता की भोग रोटी खाना चाहता है। केजरीवाल को फंसाया, हेमंत सोरेन को फंसाया, ना जाने किस किस को फंसवाया। नरेंद्र मोदी चोर है, एक तानाशाही की सरकार है और जनता की बात मानने वाली नई सरकार है। इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। जिस तरीके से ये लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरीके से ये तानाशाह सरकार काम कर रही है, ये स्पष्ट है कि तानाशाह डरा हुआ है और ये डरा हुआ तानाशाह इस तरीके की हरकतें कर रहा है। चंदे में धंधे ही नहीं, ये वसूली का धंधा है, सबसे बड़ा माफिया रैकेट है ये, और इसी के विरोध में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रदर्शन करने से सही होना हो, लेकिन हमारा काम है कि हम जनता की आवाज को उठाते रहें, और हम जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। और इसी वजह से ये तानाशाह डरा हुआ है, ये तानाशाह डरा हुआ है, और ये डरा हुआ तानाशाह इस तरीके की हरकतें कर रहा है। माफिया गैंग की तरह, माफिया सरकार की तरह ये सरकार चल रही है। ये सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। ये नारा लगाते हैं 400 बार का, लेकिन इनको पता है कि ये सरकार नहीं बना पा रहे हैं। इसी घबराहट में, इसी बौखलाहट में इस तरीके की हरकतें इनके द्वारा लगातार की जा रही है, और इसी के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस के खाते सीज हो गए हैं, हम लगातार विरोध कर रहे हैं। जनता सारी चीजें देख रही है, जनता समझ रही है, जनता जिंदाबाद। जनता मोदी के साथ नहीं है, जनता यदि मोदी के साथ होती तो आज मोदी इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं कर रहे होते। हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, और बब्बर शेर किसी से नहीं डरता है। मोदी जी की लाख पुलिस आप खड़ी कर दो, हम उनसे भिड़ने को तैयार है। जब तक लोग राहुल गांधी जी जिंदा है, कांग्रेस पार्टी जिंदा है, तब तक इस देश में लोकतंत्र को लगता है कांग्रेस पार्टी के पैसे को रोक लोगे, उसके पैसे को सीज कर दोगे तो मोदी जी उनसे जीत जाएंगे, कांग्रेस से जीत जाएंगे, लेकिन इनकी भूल है। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, वो सोचते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पैसों से नहीं चलती है। कांग्रेस पार्टी चलती है तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से और इन तमाम कार्यकर्ताओं से। जब तक इन तमाम कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है, मोदी जी हमें नहीं डरा सकते, ये ईडी सीबीआई हमें नहीं डरा सकती है। क्या कहेंगे आप लोग, सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई को पिंजरे में बंद कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से मतलब ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और उसके विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है, या तो जेल में डाला जा रहा है या उनके बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं। 5 सालों में इन्होंने काम किए नहीं, इसे हर वर्ग परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। जिस तरह से राहुल गांधी जी की 2 यात्राएं हुई है और जो हजूम निकला है उससे ये घबरा चुके हैं। माहौल दिख रहा है इनको कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने चलाई है, माहौल हमारे खिलाफ है। तो जनता जब इनके खिलाफ है तो इन्हें लगता है कि किस तरह विपक्ष को परेशान किया जाए, इनके नेताओं को जेल में डाला जाए, इनके पैसे को सीज कर दिया जाए, जिससे कि विपक्ष चुनाव ही नहीं लड़ पाए, और जब ये चुनाव नहीं लड़ेगा तो हमारी तरफ जीत हो जाएगी। लेकिन जनता ने मन बना चुका है, जनता विपक्ष की तरह देख रही है और बदलाव के मूड में है। उसे रोजगार चाहिए,
उसे मोदी जी घबरा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खुद ले रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी खातों को बिल्कुल। जैसे ही जुडिशरी से फैसला आया और ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदा के नाम पे देश में किस तरह लूट मचाई है। आज जिस प्रकार से देश का राजा घबरा रहा है, डर रहा है, वो पूरा देश देख रहा है, आने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है, उसकी बौखलाहट है इस पे नरेंद्र मोदी पे, और जो ये कांग्रेस पार्टी के जो ये खाते सील किए हैं वो एक लोकतंत्र की हत्या है। किसी भी देश में पक्ष और विपक्ष दो पार्टी ऐसी होती है जो जनता का हमेशा सहयोग करती है, पर इसने एक तानाशाही हिटलर राज चलाया हुआ है जिससे पूरा देश की जनता, किसान हो, जवान हो, युवा हो, इसे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इसको यहाँ से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। देखिए जब राजा डर जाता है, पूरा राजा पूर्ण रूप से डरपोक हो गया है, और जिस देश का राजा डरा होता है वहाँ का लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयशाह के पापा की पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ी हो गई है। अब आप बताइए कि हमको आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं है। गांधी जी थे वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा बदतर अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुआ है। तानाशाही कर रहे हैं, अकाउंट ही फ्रीज कर दिया, खुद इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं अरबों रुपए जो देश के अरबपति ज्यादा 60 अरब से ज्यादा पैसा मोदी जी के खाते में आ गया है। अब आप बताइए कि चंदा खुद लेते हैं, चंदा दो धंधा लो, तुम मुझे एयर इंडिया में टिकट दो मैं तुम्हें एयर इंडिया दूंगा। चंदे और धंधे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही है। आप हमारे खाते को सीज कर सकते हैं लेकिन हमारे अंदर, हमारे मन में राहुल गांधी जी के प्रति जो खाता खुल चुका है उस खाते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं बंद जी। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या लगता है चुनाव से पहले इस तरह की ये डर गया है? तानाशाह पूर्ण रूप से घबरा गया है, उसे अब हार की बौखलाहट दिखाई नहीं देता है। 56 इंच का सीना है, डरते 56 इंच की अगर इनकी छाती होती तो राहुल गांधी का नाम सुनकर धुक धुक न करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छाती खोखली हो चुकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक मुखौटा है, मास्क है, जो अडानी और अंबानी के तथाकथित इशारों पर काम कर रहे हैं। अकेला सब पे भारी डर नहीं रहा है अकाउंट? अगर सब पे भारी होता, एक अकेला सब पे भारी है, पूरे विपक्ष को खत्म करने में लगा है। ईडी और सीबीआई की बदौलत, ईवीएम की बदौलत, अगर ईवीएम हटा दीजिए, ईडी और सीबीआई को हटा दीजिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये काली करतूत और ये काली सरकार खत्म हो जाएगी। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं मोदी? विपक्ष के नेताओं को डाल सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेताओं ने जनता के अंदर एक अपनी जगह बना ली है, उस जगह को कैसे खत्म करने का ये काम करेंगे? प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, पुलिस आ गई है, रोका जा रहा है, बसों में ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए अगर मैं आज इस देश की स्थिति की कहूँ तो आज इस देश की स्थिति यह है कि आज हम एक अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं, जहाँ पर एक मुख्य विपक्षी पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिए जाते हैं, जहाँ पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहाँ पर हम इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है। आप सोचिए अगर एक पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर देंगे तो वो पार्टी कैसे, आप सोच सकते कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत कैसे प्रचार होगा? आप सोचिए कि कैसे एक आम आदमी एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद डर गए हैं, अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं और कहते थे कि अकेला सब पे भारी है। डरा हुआ तानाशाह है, मरा हुआ लोकतंत्र है आज देश में। ये मोदी का डर है, ये डर सामने आ रहा है। आज जो ईडी सीबीआई का प्रयोग हो रहा है इस देश में, ये साफ साफ उसका डर सामने आ रहा है। आप देखोगे जब भी इलेक्शन आते हैं तभी जो मोदी और अमित शाह के मित्र हैं ईडी वो बाहर आ जाती है, वो विपक्षी पार्टियों को ही तंग करती है। क्या इन लोगों के, बीजेपी के लोगों के पास पैसा नहीं है क्या? उनको क्यों नहीं तंग करते ये लोग? आप बताइए, इनसे पूछिए कि आप बीजेपी के लोगों को क्यों नहीं तंग करते? विपक्षी लोग सड़कों पर उतरे हैं, कैसे लड़ाई? बिल्कुल बिल्कुल, ये पुलिस लगी रहती है। हमारी जो युवा कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, वो सड़कों के लेके लड़ाई संसद तक लड़ती रहती है। संसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी और सड़कों पे युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष श्रीनिवास जी और हमारी टीम लड़ती है। क्या कहेंगे आप लोग, आज प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर है, देश के प्रधानमंत्री को ये लगता है कि खाता सीज कर देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, उनको ये नहीं पता है कि चुनाव संघर्ष से जीता जाता है, जो अन्याय कर रहे हैं वो भारी पड़ेगा उन्हें। ये पता है कि ये कांग्रेस पार्टी है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। उन्हें इस बात का डर है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो देश के विकास की बात करती है, जो युवाओं की बात करती है, महिलाओं की, आदिवासियों की बात करती है। उन्हें यही डर है कि उनके उद्योगपति साथियों का साथ उनसे ना चला जाए। वो सारे डर की वजह से मोदी जी कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी पार्टियों को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता फ्रीज कर सकते हैं लेकिन इस देश की जनता, जिसमें जो कांग्रेस जिसके दिल में बसती है, वो जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगी और हमारा विरोध प्रदर्शन रहेगा। आपने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, आपने बेरोजगारी पे बात नहीं की, आपने महंगाई पे बात नहीं की, आपने महिला सुरक्षा पे बात नहीं की, आपने किसानों पे बात नहीं की,
आपने सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने की बात की। जब वो राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी खड़गे जी आवाज उठाते हैं, तब उन्हें तकलीफ होता है और वो उसके रिएक्शन में कांग्रेस पार्टी को कैसे दबाएं उसकी योजना बनाते हैं। ये खाता कांग्रेस ने ठान लिया है कि खाता फ्रीज कर दो, जेल में डाल दो, लेकिन हम लड़ेंगे जीतेंगे, ना डरेंगे ना डरे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस तरह लोकतंत्र खत्म हो चुका है, विपक्ष के हर बड़े नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है, ये उसके खिलाफ प्रदर्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। IT, ED, CBI जो भी चाहता है, मोदी एक तानाशाह है, उसकी वजह से जितनी जो देश की जनता है उसको सब दिख रहा है कि किस तरह विपक्ष के बड़े नेताओं को किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है। उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। यूथ कांग्रेस पहले भी कई वर्षों से, 20 वर्ष से हमेशा ऐसे प्रदर्शन करती रही है। बीजेपी डर चुकी है, नरेंद्र मोदी डर चुके हैं, उनको पता है इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसको तोड़ा जा रहा है, लेकिन उनकी साजिशें नाकाम रहेंगी। पब्लिक को सब कुछ दिखता है, वो देख चुकी है कैसे चंदे के बदले धंधा मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, लद्दाख के इशू के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, तो इसके लिए बहुत मजबूती से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आगे आएगा और इसलिए बीजेपी डरी हुई है और ये कार्रवाइयां हो रही हैं। कांग्रेस को चाहे जितनी ये साजिशें रच लें, कितने भी अकाउंट फ्रीज कर लें, कांग्रेस लोगों के दिलों में बसी हुई है और हमेशा वहीं रहेगी, उसकी आपको चिंता नहीं, पब्लिक देख रही है, पब्लिक हमेशा उनके साथ रहेगी। लोकतंत्र की हत्या, इसे आप क्या कहेंगे? एक चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, और जनहित में सारे ये चुनाव होते हैं, जनता अपनी राय रखती है, जनता अपना नेता चुनती है, तो ये उसको डिस्टर्ब कर रही है चीज, और जब डिस्टर्ब होगी तो एक जो फैसला सही मायने में आना चाहिए वो सामने नहीं आएगा। इसको तो स्पष्ट और सरल शब्दों में मैं यही बयां करूंगा कि ये जनता को भ्रमित किया जा रहा है और उसको कि वो अपनी सही राय और सही जो चुनाव है वो सामने लेके समक्ष ना आए। आप देख रहे हैं किस तरह का लोकतंत्र है, जब एक CM जो राज भारत की राजधानी दिल्ली का, वो उसको ED ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी अब रिमांड के लिए भी वो लोग आगाह लगा रहे हैं, तो आप इसको क्या समझेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो भी ठीक लोकसभा के चुनाव से एक महीने पहले, तो आप ये काम उसके बाद भी हो सकता था। ये अगर उनको कोई ऐसी, अगर 10 सम्मन दिए गए हैं, कहते हैं 9 सम्मन दिए गए हैं, वो नहीं आए हैं, तो कुछ सम्मान इनको ऐसे दिए जाते, ये तो थोड़ा सा और इंतजार कर लेते और उसके बाद ये स्पष्ट हो सकती थी, तो थोड़ा सा इंतजार और कर लेते। जनता के चुनाव से आने से पहले ये ऐसा क्यों काम किया गया? अब मेरी बात सुनो, आपको किसी बंदे की छवि खराब करते हो, ठीक, उसके रिजल्ट आने से पहले, तो वो टीचर जो है उसको मार्किंग भी उस हिसाब से करेगा, यानी कि जनता मार्किंग भी उस हिसाब से करेगी, चाहे उसका इफेक्ट उसको पता हो या ना हो कि वो आम खराब है या खाने वाला है या वो आम जनता के हित में है। तो अब जिस तरह से हम देखा जाए, इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो चंदा मिला है वो बीजेपी को मिला, तो उससे तो इमेज खराब होनी चाहिए बीजेपी की। ये सब काम इसी चुनाव से पहले क्यों हो रहे हैं, मुझे बताइए आप, पार्टी को पैसे की जरूरत कब पड़ती है? जब चुनाव आते हैं, चुनाव आते हैं तो वो अपनी पार्टी को जलसे के लिए या जन उच्चारण में या अपनी बात को कहने के लिए सभाएं लगाती हैं या मंडलियां लगाती है, जिसके रैली निकालती है, मैसी रैली निकालती हैं, जिसके जरिए वो अपनी बात जनता तक लेके आती है, या उनके क्यों विचार हैं जो जनता के प्रति भविष्य में जो सुधार लाएगी वो बताते हैं, तो ये जब बताएगी नहीं जनता को, या उनके पास पैसा नहीं होगा या वो पैसा कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो वो अपनी बात कहाँ बयां करेंगे और जनहित में अपनी बात कहाँ जारी करेंगे और कैसे करेंगे? मैं एक सरल शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको खुद ही, मैंने इतने स्पष्ट और सरल शब्दों में आपको बता दी बात, आप इससे खुद ही जायजा ले सकते हैं कि यह क्या उचित है या अनुचित है, आप खुद ही बताएं। जब एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है सारी तैयारी करने के बाद, तभी उसका रोल नंबर छीन लिया जाता है कि तू एग्जाम नहीं देगा, तो ये कहाँ कहाँ का जनहित है, कहाँ का लोकतंत्र है? न्याय का हक मिलने तक।